दोस्तों वैसे तो प्ले स्टोर पर आए दिन सैकड़ों गेम्स लॉन्च होते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनमें से ज्यादातर गेम्स किसी कारणवश या तो रिमूव हो जाते हैं या फिर बैन हो जाते हैं। खैर वजह जो भी हो, पर आज मैं आपके लिए लाया हूँ 10 ऐसे बेहतरीन गेम्स जो कि अपनी इन गेम वॉयलेंस या फिर मैच्योरिटी के कारण ही बैन हो गए थे। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकलोली के। नंबर 10, वैक द थीफ। सो इस गेम में आप एक टीनेज बॉय का रोल प्ले करते हो और अब आपको आपके घर पर आए थीफ को मारना है, वो भी बड़े गंदे तरीके से, और इसी कारण ये गेम अपनी वॉयलेंस एंड गोर के चलते बैन हो गया था। नंबर 9, स्ट्रिप क्लब डबल एक्सएल। सो गेम का नाम देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि यहाँ आपको क्या करना है, पैसे फेंक के तमाशा देखना है। सो यहाँ आपको कॉइंस कलेक्ट करना है और उसके बाद जो होता है वो आपको इस चैनल पे तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे पता है क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हो तो आप समझदार हो ही, और समझदार को इशारा ही काफी होता है। एनीवेज ये गेम अपनी मैच्योरिटी के चलते प्ले स्टोर से बैन हो गया था। एंड हाँ मैं बता दूं कि वैसे तो लिस्ट के सारे गेम्स आपको प्ले स्टोर पर कहीं भी अवेलेबल नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ अगर आप चाहो तो देसी ओल्ड जुगाड़ लगाकर इंटरनेट से इन्हें ढूंढ सकते हो। नंबर 8, पॉपसिकल शोडाउन। सो इस गेम में आपको सिंपली अपनी गर्लफ्रेंड को आइसक्रीम खिलानी होती है, दैट्स इट। लेकिन जैसा कि आप देख ही सकते हो कि यहाँ आपकी गर्लफ्रेंड का आइसक्रीम खाने का तरीका कितना ज्यादा वियर्ड है, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये गेम किस वजह से बैन हुआ था। नंबर 7, फैप निंजा। सो इस गेम में आप एक निंजा का रोल प्ले करते हो, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं कंप्लीट करने के लिए, बट ये कोई आम बच्चों वाले टास्क नहीं होते बल्कि वैसे वाले टास्क होते हैं। समझ रहे हो ना किस तरह के टास्क की बात कर रहा हूँ मैं? ऑब्वियसली यार अगर तुम एडल्ट होगे तो तुम समझ जाओगे, लेकिन अगर तुम माइनर हो तो तुम ये अभी कही बात मेरी समझ भी नहीं पाओगे, और इस गेम को खेलने का तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना। नंबर 6, पबजी मोबाइल। सो अगर आप भी पबजी मोबाइल खेलते थे तो आपको पता होगा कि 2 सितंबर 2020 को हमारी गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल गेम को इंडिया से बैन कर दिया था, बिकॉज ये गेम एक चाइनीज गेम था एंड गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही ये गेम अपने यूजर्स का डेटा इलीगल तौर पे चाइना में ट्रांसफर कर दिया था, जो कि कंपनी की साइड से तो एक बहुत ही बड़ी ऊपसी है और हमारे लिए तो एक बहुत ही डेंजरस बात है। लेकिन बाद में इसका इंडियन वर्जन BGMI लॉन्च कर दिया गया जो अब पूरे देश में धूम मचाए हुए हैं। नंबर 5, बोरेन। सो ये एक बोलिंग गेम है जिसमें कि बेसिकली हमें बोलिंग करनी होती है, बट ट्विस्ट ये है कि इस गेम में हमें ब्यूटीफुल गर्ल्स कैरेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं, और गूगल बाबा और ब्यूटीफुल गर्ल्स का तो 36 का आंकड़ा है ये तुम जानते हो, उन्हें लड़कियां पसंद नहीं आती है तो वो गेम को बैन कर देते हैं। एनीवेज गेम काफी बढ़िया था, जैसे कि मैंने तो दबा के खेला था भाई, लड़कियों की वजह से नहीं, बोलिंग की वजह से भाई, चिल। नंबर 4, फार्मर गर्ल रनर। सो बेसिकली ये गेम टेंपल रन स्टाइल का ही एक एंडलेस रनर गेम है जिसमें कि मेन कैरेक्टर एक लड़की है, एंड हां आई थिंक गूगल वालों को लड़कियों से एलर्जी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तभी तो वो बिना फालतू में अच्छे खासे गेम्स को बैन कर देते हैं, या फिर जैसे कि अभी मैंने कहा कि गेम टेंपल रन की कॉपी है, सो मे बी कॉपीराइट के चलते भी बैन हो गया हो, कौन जाने। खैर आप इसे गूगल प्ले स्टोर से तो नहीं, लेकिन सिंपली गूगल क्रोम पर जाकर टाइप करके डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 3, वैक योर बॉस। सो ये गेम भी वैक द थीफ वाले गेम के ही सिमिलर होने वाला है, जहां कि आपको आपके बॉस को बड़े ही गंदे तरीके से मारना है, आपको इन गेम बॉस को मारना है, अपने असली बॉस को ही मत कूटने लग जाना। खैर ये गेम भी अपनी वॉयलेंस के चलते बैन हो गया था, लेकिन हाँ डेवलपर्स ने एक स्मार्ट मूव खेली और बॉस को ज़ॉम्बी से रिप्लेस कर दिया और ब्लड को रेड से ग्रीन कर दिया, जिसकी वजह से पता नहीं कैसे लेकिन अब ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो जाओ जाके डाउनलोड करो और मजे से खेलो इसको। नंबर 2, साइबर हंटर। सो ये गेम एक साइंस फिक्शन बैटल रॉयल गेम है जो कि कुछ टाइम पहले तक काफी ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन पबजी की तरह एक चाइनीज गेम होने के कारण इस गेम को भी ईयर 2020 में इंडिया से पूरी तरह से बैन कर दिया था। एंड अनफॉर्चुनेटली लाइक पबजी इसका तो कोई BGMI जैसा कोई इंडियन वर्जन भी अवेलेबल नहीं है जैसे कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सके, लेकिन ये गेम पता नहीं कैसे स्टीम पर ऑफिशियली पीसी के लिए अवेलेबल है, तो आप चाहो तो स्टीम पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो अपने पीसी के लिए। लेकिन इस गेम को अभी ट्राई करने मत भागो प्लीज, बिकॉज ये टाइम है आज के गेमिंग क्वेश्चन का। सो आज आपको बताना है कि मैक्स पेन कैरेक्टर का स्पेशल मूव क्या है, स्पेशल मूव से मेरा मतलब है स्पेशल पावर्स। एंड एज यूजुअल सबसे फास्ट आंसर देने वाले बंदे, बंदी या फिर बंदर को मिलेगा हमारे कमेंट सेक्शन में पिन होने का मौका। सो जल्दी से जल्दी अपने हाथ पैर और पंजे चलाओ और सही आंसर बताओ। तब तक के लिए मैं भी बढ़ता हूँ अपने लिस्ट के फाइनल गेम की तरफ, जो कि है नंबर फर्स्ट पोजीशन पर एरिया F2। नाउ एरिया F2 एक टैक्टिकल FPS गेम है जो कि काफी टाइम पहले मोबाइल के लिए लॉन्च हुआ था। एंड अगर आपने पॉपुलर गेम रेनबो सिक्स सीज खेला होगा तो ये गेम भी सेम उसी कॉन्सेप्ट पे था, जहां कि हम अपने दोस्तों के साथ 5v5 मैचेस कर सकते थे, हॉस्टाइल्स को बचा सकते थे एंड गेम के एनवायरमेंट को भी डिस्ट्रक्ट कर सकते थे। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये गेम रेनबो सिक्स सीज की कॉपी थी, सो इसी वजह से यूबीसॉफ्ट कंपनी वालों ने इसे कॉपीराइट के चलते बैन करवा दिया। सो देख रहे हो ना, अगर कोई गेम रूल्स एंड रेगुलेशंस पर नहीं चलता है तो इट डजंट मैटर कि वो गेम कितना भी बड़ा हो, वो गेम बैन होकर ही रहेगा। एंड सो नाउ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। एंड अगर मेरी ये बात भी सच्ची है तो भाई के लिए एक लाइक तो कर ही देना, बिकॉज टुडेज लाइक गेम इज 6999 लाइक्स, प्लीज कर देना यार। ओके अब मैं भी चलता हूँ क्योंकि मुझे भी राजू के साथ मिलकर मूवी देखने जाना है। बाय। ओए राजू कहाँ मर गया? अबे जल्दी से कोई ढंग की सी हॉरर मूवी लगा ना यार जरा। अबे पागल ये क्या लगा दिया, हॉरर मूवी बोली थी हॉरनी मूवी क्यों लगा दिया? अरे बंद कर इसको। अरे आप लोग गए नहीं अभी तक, वीडियो तो खत्म हो गई, फिर क्या लड्डू लेने के लिए बैठे हुए यहाँ पे। चलो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं कल।